उमैयद एंड द बिगिनिंग ऑफ द सीरा मगारी ट्रेडिशन। उमैयद से मुराद तो इस्लाम की जो पहली डायनेस्टी थी उसको उमैयद कहा जाता है, और सीरा मगारी ट्रेडिशन क्या है? तो सीरा मगारी ट्रेडिशन बायोग्राफी को सीरत ट्रेडिशन कहा जाता है, और उसके अंदर मगाजी ट्रेडिशन उसका एक जॉनर है। मगाजी यानी गजवा, मगाजी और यानी एक्सपेडिशन यानी लड़ाई फाइट यानी युद्ध की कहानी। तो उसी जॉनर को सीरा मगाजी ट्रेडिशन कहा जाता है, जो कि सीरत के अंदर का एक ट्रेडिशन है, यानी बायोग्राफी के अंदर का एक ट्रेडिशन है, जॉनर है सीरत के अंदर का। तो अच्छा, तो हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से उमैयों ने पहली बायोग्राफी लिखना कमीशन किया था, ठीक है, और उसकी कहानी पे देखेंगे, उस कहानी के ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी सोर्स कुछ भी नहीं है। उमैयों की कहानी हमको अब्बासियों से पता चलती है, और वो भी ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ हमको पता चलती है, चल रही है हिस्टोरियन अब्बासी थे, हिस्टोरियन अब्बासी का जो हिस्टोरियन थे जुबैर इब्न बकर के जो रिकॉर्ड से हमको उमैयों की कहानी पता चल रही है। अब देखते हैं उमैयों की कहानी, ये कहानी जिन्होंने पहली बार बायोग्राफी कमीशन की थी लिखने के लिए कि चलो रसूल अल्लाह की जीवनी लिखनी चाहिए करके। तो ये किन्होंने किया था और कैसे किया था मैं बता दूँ, हमारे पास उमैयों की जो बायोग्राफी है वो मौजूद नहीं है। सोर्स मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो अब्दुल अल मलिक है, उनके जो साहबजादे हैं, जब वो हज पे जाते हैं तो वहाँ पे कमीशन करते हैं लोगों को कि आप बायोग्राफी लिखो। जब और वो बोलते हैं वहाँ के जो गवर्नर थे मदीना के, जब वो हज पे गए थे सुलेमान अब्दुल मलिक के बेटे क्राउन प्रिंस, तो वहाँ के गवर्नर जो थे अब्दुल अल मलिक के यानी सॉरी इब्बान, ठीक है इब्बान, तो ये जो भी है, जब इन्होंने कमीशन किया कि बायोग्राफी लिखो, तो उन्होंने जब मटीरियल जब पेश किया तो जो खलीफ है, खलीफ क्राउन प्रिंस है अब्दुल मलिक, उनको ये पसंद नहीं आया, उन्होंने इसको जला दिया। तो पहली बार अगर बायोग्राफी रसूल अल्लाह की पहली बायोग्राफी जला दी गई थी, क्योंकि वो उमैयों के हित में नहीं थी। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम छोटी छोटी वीडियो में देखेंगे किस तरह से उमैयों ने अपनी जो कबीले के हित वाली स्टोरी, अपने फेवर वाली स्टोरी उनको रख दिया, और जो अंसारियों के जो हिस्टोरियन थे उनकी चीज़ों को जला दिया। अब ये भी हमको अब्बासियों से पता चल रही है, जो कि खुद बायस्ड है। तो उमैयों की कहानी हमको अब्बासियों से पता चल रही है, ठीक है। ये जो कहानी है ये भी अब्बासियों ने गढ़ दी गई होंगी कि उमैया जो थे उन्होंने पहली बायोग्राफी जला दी। तो इसमें प्राइमरी सोर्स हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ स्पेकुलेशन पे रह सकते हैं, और हम आगे देखेंगे डिटेल में जाएंगे बायोग्राफी में यानी रसूल अल्लाह की जीवनी पे। एक ही चीज़ पे हम गौर करेंगे किस तरह से यह एक ही चीज़ डेवलप्ड हो रही थी उमैयों के दौर में या अब्बासियों के दौर में।